गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। और वो उस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागपेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। सिपाहियों, आर्तुक साहब को जिंदान ले जाओ, मैं इनसे जाती तौर पर तफ्तीश करूंगा। आप गिरफ्तार नहीं कर सकते आर्तुक साहब को। हमेशा इंसाफ के हुसूल की ख्वाहिश की है तुमने, और इंसाफ के हुसूल के लिए ही आया हूं मैं यहां, वरना तुम्हारे सिपाहियों में से कोई भी नहीं बचता। ये सब क्या हो रहा है? आप क्या छुपा रहे हैं मुझसे? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अपने राजों को खुफिया रखने वाला ही कामयाब होता है। तुम्हारी सलामती की खातिर ये बात खुफिया रखी तुमसे। मैं अपने बेटे को अदालत से नहीं, असल कातिलों से दूर ले जा रहा हूं। हमारी मंजिल नेकिया नहीं, सूत है। क्या लईस ने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं अपने बेटे को नीकिया लेकर जा रहा हूं? यकीनन तुमने अमीर बहाउद्दीन को बता दिया होगा और उसने अपने सिपाही रवाना कर दिए होंगे। अर्तुगरुल के जराइम उसके कद से बढ़ चुके हैं। जब सिपाही उसे यहां पकड़ कर लाएंगे तो उसके साथ तुम सबको खत्म कर दूंगा मैं। रियासत मेरी तरफ से अच्छी खबर की मुंतजर है। बाबा के और सिपाहियों के बारे में पूछा जाएगा मुझसे। उस वक्त मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी अर्तुगरुल सरदार? अर्तुगरुल सरदार की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए अदालती मामलात का तुम खुद फैसला करोगे। अपनी हाथ में रही है हायमा खातून, वरना गुस्ताखी का हिसाब तलब कर सकता हूं मैं। रियासत के जोर पे आप हमें बेजा परेशान कर रहे हैं अमीर बहाउद्दीन। अपने बोहतानों से मासूम लोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं। बहुत हो गया। ले जाओ इन खवातीन को यहां से। रुक जाओ। कोई नहीं जाएगा। कोई हिमाकत मत करना। काजी साहब को कुछ बताना चाहती हूं मैं। फरमाइए, मैं सुन रहा हूं। अर्तुगरुल सरदार अदालत से हरगिज फरार नहीं हुए हैं। यकीन है मुझे वो अपने बेटे को इंसाफ के लिए जरूर यहां लेकर आएंगे। आपके बेटे ने क्या किया है क्या आप नहीं जानती खातून? ये बात अच्छी तरह जानती हैं आप कि अर्तुगरुल सरदार अपने बेटे को तावान अदा करके सलीबियों की सरजमीन पे ले गए। क्या तुम्हें यकीन है इस बात का? हकीकत है ये खातून, बिल्कुल। मेरे सिपाही अर्तुरुल और उसके कातिल बेटे को पकड़कर जल्द यहां ले आएंगे। अगर उन्होंने मज़ाहमत की तो मेरे सिपाही उनके सर कलम करके सूद के वस्त में लटका देंगे। इन्हें भी अर्तुग साहब के साथ जिंदान में डाल दो। इन सब से मैं बाद में बात करूंगा। अगर कोई मज़ाहमत करे तो रहम मत करना, हुक्म है ये मेरा। मुझे ये बताओ कि तुम यहां क्या कर रहे हो अमीर बहाउद्दीन? तुम लोग यहां क्या लेने आए हो? सिपाहियों, तलवारें नियाम में रख लो। काजी हजरत, जिस पर बेजा इल्जामात लगाकर कातिल करार दिया गया अपने उस बेटे को, उसकी अपनी मर्जी से मैं आपके हुजूर लेकर आया हूं। मेरे बेटे की बेगुनाही को साबित करने के लिए गवाहान बाहर मौजूद हैं। फैसला आपके हाथ में है। आपकी बातों से हमें इत्मीनान हुआ अर्तुरुल सरदार। आपके बेटे की और गवाहों की एक एक बात सुनूंगा, उसके बाद फैसला सुनाऊंगा। इस मुकदमे की मुद्दई इलबिल्गे खातून का मौकिफ भी सुना जाएगा। दुमरुल, गवाहान को लेकर आओ। जो आपका हुक्म भाई। अर्तुग सरदार को तुमने किस सबब से हब्से बेजा में रखा है अमीर बहाउद्दीन? तुम यहाँ क्या क्या कर रहे हो ये जानना मेरी जिम्मेदारी है अर्तुरुल सरदार। तुम रियासत के वफादार हो या फिर मोहरे हो दुश्मनों के? तुम्हारे नीचे जाने की खबर आई थी मेरे पास, तो और क्या करता मैं? एक शख्स जो तुम्हें मालूमात दे उसकी बात रियासत के सरदार आला की बात से ज्यादा अहम है तुम्हारे लिए। बताओ मुझे, सऊद को अपने दुश्मनों से बचाऊं या तुम जैसे झूठे अमीर से हिफाजत करूं इसकी? ईरान, लानत हो तुम पर। अब जबकि गवाहन यहां पहुंच चुके हैं तो समाज शुरू करते हैं। हाय माशाल्लाह मेरे बहादुरों, शुक्र है तुम लोग आ गए। बहुत शुक्रिया अर्तुग भाई। अब ठीक है अर्तुग भाई? हाँ ठीक हूँ मैं अब्दुल रहमान, ठीक हूँ। क्या अर्तुगरुल सरदार पहुंच गए? जी पहुंच गए अर्तुग भाई, पहुंच गए। ऊपर एक हंगामा बरपा है, हमें वहां फौरन पहुंचना होगा। अमीर बहाउद्दीन के चेहरे पर खौफ देखना चाहता हूं मैं। जल्दी चलो अदालत में। चलिए चलो। अर्तुगरुल सरदार के कहने के मुताबिक आपने ड्रैगोस का नाम सबसे पहले कब सुना? जब उसके सिपाही हमें अगवा करके मारने के लिए ले जा रहे थे जनाब। वो आपस में बात करते हुए ड्रैगोस का नाम ले रहे थे। वो लोग क्या चाहते थे आपसे? मेरी बहन के गले में जो हार था उसमें छुपा हुआ राज। वो राज क्या है? यकीनन वो राज ड्रैगोस के मुतालिक ही होगा। मेरे बाबा चाहते थे कि जमींदार को ड्रैगोस से बाखबर कर दें, इसी वजह से उन्हें जहर देकर मार दिया गया। जिस दिन वो हार हमने जमींदार को दिया वो मर गए। ये सब महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। मेरे बाबा बिल्कुल सेहतमंद थे। ड्रैगोस के आदमियों ने मारा है उन्हें, मुझे पूरा यकीन है। और मुझे कैद कर दिया गया ताकि मैं भाग ना सकूं। मोहतरम काजी साहब, ये सारी बातें तवज्जो हटाने के लिए है। अर्तुगरुल सरदार लगता है खुद को और अपने बेटे को बचाने के लिए किसी ख्याली दुश्मन के बारे में बता रहे हैं। बाज़ंतीनियों से हमारी जंग करवाना चाहते हैं ये, लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। जिस दिन उमर सरदार का कत्ल हुआ उस दिन गुंदूस मेरे साथ था। गुंदूस कातिल नहीं है। ये लड़की गुंदूज से मोहब्बत करती है जनाब, उसे बचाने के लिए झूठ बोल रही है। पादरी साहब की मौजूदगी में कसम उठाई है मैंने। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? बहुत हो गया। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं गुंदू साहब? कुछ नहीं काजी साहब। दोनों गवाहान ने मेरी बेगुनाही पर हुज्जत तमाम कर दी है। फैसला अब आपके हाथ में है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। सब लोग ये समझ रहे थे कि शायद फरार हो रहा हूं मैं, लेकिन मैंने खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं किया काजी साहब। मैंने असल कातिलों को तलाश करने की कोशिश की। और यही मेरा सबसे बड़ा गुनाह हो गया। मैं बेकसूर हूं। झूठ बोल रहे हो, बेगुनाह हो तुम, मासूम हो तुम। अपने झूठ से तुम हम सबको गुमराह नहीं कर सकते। अताज साहब, अगर आप मुझे इजाजत दी तो मैं कुछ कहना चाहती हूं काजी साहब। मैंने बहुत दर्द सहा है। कई बार झूठ बोला गया मुझसे और इसका सबब यह था कि अर्तुरुल सरदार पर एतमाद नहीं किया मैंने। जो कुछ देखा और सुना, गवाहन की बातें सुनने के बाद अपना फैसला बदल दिया है मैंने। ना गुंदूज सिपाही किसी का कत्ल कर सकता है और ना ही अर्तुरुल सरदार कसूरवार है। अपनी शिकायत वापस लेती हूं मैं। लानत हो तुम पर। और अगर अर्तुरुल सरदार मुझे इजाजत दें तो अपने सिपाहियों के साथ मिलकर ड्रैगोस को ढूंढना चाहती हूं। मुकदमा अंजाम को पहुंच चुका। खातून ने अपनी शिकायत वापस ले ली है, लिहाजा कोई कार्रवाई नहीं होगी। चूंकि मुद्दई ने अपना यह मुकदमा वापस ले लिया है, इसलिए आज होने वाली समाअत के बाद अदालत अपना हतमी फैसला सुनाती है। गुंदू साहब बेकसूर है। अदालत बर्खास्त की जाती है। शुक्र। दादी जान, मैंने आपको और बाबा को बहुत दुख दिए। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी दादी कुर्बान हो जाए तुम पर। माशाअल्लाह मेरे बहादुर, अगर आपकी इजाजत हो तो दस्तबोसी करना चाहती हूँ। खुश रहो हमेशा मेरी बच्ची। शुक्र है अल्लाह का, आप वापस आ गए। उस्मान मेरे भाई, ताई जान जीते रहो गुंदुज़। अल्लाह बेहतर करेगा अर्तुगरुल भाई। भाभी खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मेरे भाई कैसे हैं? सब ठीक है। वक्त आने पर मैं बात करूंगी आपसे इस बारे में। बेगुनाह ही साबित होने पर आज सब जश्न होगा। अपनी तैयारियां कर लो जाकर। हर खास व आम के लिए खुसूसी दावत का एहतमाम होगा। ये हुई ना बात भाई, बिलाखिर जश्न होगा, खुशियां होंगी। अरे माशाल्लाह, हमारे दस्तरखान पे 9 मुख्तलिफ खाने होंगे। हिरन होगा, भुना हुआ दुम्बा और मुर्गा भी होगा। सरदार आज तो हम रोटियों के साथ पत्थर भी खा लेंगे। कबीले में जश्न होगा, खाना पीना होगा, बहुत सारी नेमतें हमारे दस्तरखान पे होंगी। आज शुक्र अदा करेंगे हम और अपने पैगंबर को याद करेंगे और हमारे खानदानों की नस्लें सदा शादो आबाद रहेंगी। हमारे शानदार औताक में बेहतरीन मुगन्नी की आमद होगी, फिर वो रूह को शाद करने वाले साथ छेड़ देंगे। माशाल्लाह मेरे बहादुर। बमसी बहुत जोश में लग रहा है भाई। सही कहा भाई, सही कहा, बहुत जोश में हूं मैं। आज का जश्न मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज बहुत सारा खाना खाना है। तुम मेरे साथ ही रहना गुंदुज़ सिपाही, उसके बाद ही बमसी की तरह बन पाओगे। अदालत में नहीं बता सकता था, इसलिए यहां बताने आया हूं। इस मकतूब में ड्रैगोस के राज मौजूद है। तुम्हें यह मकतूब सुल्तान तक पहुंचाना होगा। सुल्तान से आप क्या चाहते हैं अर्तुगरुल सरदार? ड्रैगोस शोरिश को तहरीक देकर सऊद को हमसे छीनना चाहता है। जमींदार यानिस के कत्ल में यकीनन ड्रैगोस और कमांडर लईस मुलव्विस हैं। चाहता हूं कि वो ये बात बादशाह को बताएं ताकि बादशाह अपने तौर पर हिफाजती तदाबीर कर लें। सुल्तान को मालूम होना चाहिए कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा यहां और यह कि हम अपना फर्ज निभाना जानते हैं। और लैफ के किले का क्या होगा? अगर बादशाह इस मसले को हल करने में नाकाम रहा तो फिर लैफ के किले पर हमला करने और उसे फतह करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं होगा। मेरी बात मुकम्मल हुई। अल्लाह हामी नासिर हो हमारा। जल्दी से घंटा बजाओ। आज का दिन बहुत मुबारक है हमारे लिए। अर्तुगरुल सरदार और उनके बेटे को कामयाबी हासिल हुई है। जल्दी बजाओ घंटा, जाते क्यों नहीं? खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमारे सरदार को बचा लिया। हमारे सरदार को हर शर से महफूज रखना। खुदावंद, तेरा शुक्र है। तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम बना दूंगा मैं अर्तुगरुल। आप जब से यहाँ आई हैं आपने किसी भी खाने को हाथ तक नहीं लगाया इलबिल्गे खातून। मुझे खाने की ख्वाहिश नहीं है मेंगू। क्या आप आज के वाकयात से परेशान हैं? मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अर्तुगरुल सरदार या उनके बेटे के लिए नहीं, इंसाफ के लिए किया है ये सब। लेकिन कुछ लोग ये बात नहीं समझ सकते। वो अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करेंगे। मुझे कमजोर देखकर सिक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वो हर तरह से मुझे पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। देखिए खानम, मुमकिन है आप मुझ पे खफा हो, लेकिन अब आपका अपनी इस तन्हाई से दूर जाने का वक्त आ गया है खातून। आप जैसी बहादुर और सूरमा खातून किसी बेहतरीन मर्द के हकदार हैं। आप दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और ऐसा शख्स जिस पे आप एतबार कर सकें आपको मयसर होगा। ऐसा कौन होगा इस जहां में जो मेरी मदद के लिए आमादा हो? क्या मैं अंदर आ सकता हूं इलबिल्गे खातून? तशरीफ लाइए अर्तुगरुल सरदार। मुझे कुछ काम है, मैं इजाजत चाहती हूँ। मुझ पर आज आपने जिस एतबार और यकीन का इजहार किया उस पर आपका शुक्रगुजार हूं। आज इंसाफ की फतह हुई है, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूं अर्तुगरुल सरदार। आपने मुझे हक का रास्ता दिखाकर मेरी मदद की। आज से मेरा वाहिद मकसद असल कातिल को पकड़ना है। परेशान ना हो इलबिल्गे खातून। जैसे हमने मिलकर इंसाफ की बालादस्ती कायम की है, वैसे ही तुम्हारे बाबा के कातिलों को भी ढूंढ लेंगे। आज से मैं तुम्हारे साथ हूं हर महाज पर, और कातिलों को तलाश करने में हर मुमकिन साथ दूंगा मैं। बहुत शुक्रिया अर्तुगरुल सरदार। आज अदालत में मेरे बेटे गुंदूज की बेगुनाही साबित होने की खुशी में जश्न का एहतमाम किया है। तुम्हारी शमूलियत खुशी का बायस होगी। मुंतजिर रहूंगा। दावत देने का बहुत शुक्रिया। अर्तुगरुल ने नेकिया जाने का कहकर हमारे साथ खेल खेला। उसने गुंदूज को बचा लिया और इलबिल्गे को भी अपने हक में कर लिया। काश कि उसे किले में ही मार देते हम। लईस, इस बार तो अर्तुगरुल ने हमें शिकस्त दे दी, लेकिन असल शिकस्त हम उसे देंगे। ये सोना लेकर जाओ और हमारे लिए नए सिपाही तैयार करो फौरन, और किले में जो सिपाही भी हमारा साथ ना दे उसे मार डालो। किले को मुकम्मल तौर पर कब्जे में ले लो। सऊद के बाजार का क्या हाल है? तमाम ताजिर अभी तक वहीं मौजूद हैं। और तिजारत वैसे ही चल रही है। कैसे? मैं किसको खौफजदा नहीं किया था तुमने? क्या उसे उसके खानदान का डर काफी नहीं था? हाँ? हमने हर मुमकिन हरबा आजमाया जनाब, बहुत खौफजदा किया उसे, लेकिन अभी तक उसने कुछ कारआमद नहीं किया, समझ से बाहर है। शायद उसे मजीद खौफजदा करना पड़ेगा। समझ गया मैं, उससे अब मुलाकात कर लेनी चाहिए। हमें अब अपनी जंग का दायरा-ए-कार बढ़ाना होगा। हम और मजबूत मंसूबा बनाएंगे। हम उन पर उस वक्त हमला करेंगे जब वो बिल्कुल बेखबर होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये दिन देखना नसीब हुआ हमें। मेरा पोता गुंदूज बेगुनाह साबित हो गया। शुक्र है कि दोनों कबाइल एक बड़ी गलतफहमी से बच गए। हमारे दुश्मनों की साजिश बेनकाब हो गई। ये सब इलबिल्गे खातून की फहमो फरासत की वजह से हुआ। अल्लाह आप पर रहम फरमाए इलबिल्गे खातून। अल्लाह आपके लिए भी आसानी फरमाए अर्तुगरुल सरदार। दुश्मन बन सकते थे हमारे कबाइल, कई मासूमों की जाने जा सकती थी, लेकिन आपने भांप लिया साजिश को। हमने मिलकर उसे खत्म किया। मेरी वजह से कई लोगों को तकलीफ पहुंची, जिस पर दुखी हूं मैं। आप सबसे माजरत चाहती हूं। बेटी, बहुत तकलीफें देखी हैं तुमने, जानती हूं बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, लेकिन इस सब के बावजूद तुम्हारी नीयत साफ थी। यही तुम्हारी अच्छाई है कि तुमने इंसाफ की तकमील के लिए अपना किरदार बखूबी निभाया। यही हकीकत है। मुगन्नी मौजूद है यहाँ। आपकी मौजूदगी हमारी खुशियां दोबाला कर देती है। खुशी सिर्फ ये नहीं कि इंसाफ हुआ, बल्कि दोनों कबाइल का एक दूसरे पर एतमाद भी बहाल हुआ। हमें कुछ ऐसा सुनाएं कि दिल खुश हो जाए। आपका हुक्म सर आंखों पर अर्तुगरुल सरदार। अल्लाह तुर्कों की हर मैदान में मदद फरमाए। आमीन। Zəfər oxları yürüdü ileri alplar bismillah. Ey cəngin talihi bize yol veriyor, bekliyor bizleri zafer bismillah. Ey cəngin talihi bize yol veriyor, bekliyor bizleri zafer bismillah. Ey cəngin talihi bize yol veriyor, bekliyor bizleri zafer bismillah. Ey düşman alnının yazısı kara, öldürmez bizleri vurduğun yara. Yolladığım oklar armağan sana, o kirli alnını öper bismillah. O kirli alnını vurur bismillah. Bekliyor bizleri zafer bismillah. O kirli alnını vurur bismillah. bekliyor bizleri. Zafer bismillah. Sen korkma geldik geleli, senin için atıldık daim ileri. Sakalanlar annelere teselli, şehitlerin ruhu güler bismillah. Şehitlerin ruhu güler bismillah. Bekliyor bizleri zafer bismillah. Şehitlerin ruhu güler bismillah. Bekliyor bizleri zafer bismillah. Ey cengin talibi bize yol verin. Bizleri zafer bismillah. O kirli alnını vurur bismillah. Bekliyor bizleri zafer bismillah. Şehitlerin ruhu güler bismillah. Bekliyor bizleri zafer inşallah. साजिंदों के हाथ और नगमा सरा की आवाज यूं ही सुर बिखेरते रहे। बहुत शुक्रिया सरदार। दुश्मन हमारे अतराफ दरिंदों की तरह है तो हम आग की मानिंद हैं। उन पर हमने साबित कर दिया है कि हमारी ये आग हमें राह हक की जानिब ले जाती है और हमारे दुश्मन को राख कर देती है। इत्तेहाद हमें मजबूत करेगा और हम किसी साजिश का शिकार होकर इसे टूटने नहीं देंगे। सोत में हमने जिस इमारत की बुनियाद रखी है मिलकर उसे तामीर करेंगे। मजलूम की उम्मीद होंगे और इंशाल्लाह कहर बनेंगे जालिमों के लिए। इंशाल्लाह। असल परेशानी तो यह है कि मंगोल उनके पीछे चले गए। और गुंदुग्दु उसका सर कहाँ है? जिन लोगों ने हमला किया उनके मुंह से सुना कि वो कातिलों के सरबरा को अलबस्ती के नाम से मुखातिब कर रहे हैं। देखने में वो कोई मंगोल नहीं बल्कि तुर्क लगता है। उससे कहो कि अमन में खलल डालने की वजह से जुर्माने के तौर पर 10,000 सोने के सिक्के अदा करे। तुम्हारी जोजा और बेटा आने वाले थे यहाँ, क्या हुआ? अब तक पहुंचे नहीं? उसकी नजरों में महज इल्तिफात था। उसकी आंखें किसी की मुतलाशी थी वालिदा।